हेलो भाई, और क्या हाल चाल है? नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है भाई। और सब बढ़िया भाई? सुबह का टाइम हो रखा है, 8 बजे रखी है और हम जा रहे हैं हम स्कूल में। और आज अपना बड़ा स्पेशल डे होने वाला है क्योंकि आज हम जाएंगे अपनी नई पार्ट टाइम जॉब पे। तो एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है। तो भाई देखते हैं आज का दिन कैसा जाएगा और आप लोगों को भी दिखाता हूँ और बताता हूँ मैं। ठीक है भाई, हम चलते हैं जल्दी से स्टेशन पर। पहले ही मैं हमेशा की तरह लेट हो रखा हूँ। चलो भाई, बाद में बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन बाद में करता हूँ ये क्या चीज़ है। पार्क में आ गए हम लोग। ये क्या है, जापान में आप लोगों को पता है कि अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आती है। तो हमें आता हूँ, हर बार क्या होता है, हर 2 महीने में प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आपको वहाँ से, बल्कि जब आए मतलब अर्थक्वेक, तो अपना सर टेबल के नीचे, और बाद में जब रुक जाए तो एलिवेटर यूज़ नहीं करनी, इधर एमरजेंसी एग्जिट से निकलना है और यहाँ पर इस पार्क में आना है। यहाँ के साइड वाइड में कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इसलिए देखो सारे यहीं आ गए। भाई हो गई ये ड्रिल, मतलब हर 2 महीने में एक बार होती है स्कूल में। तो भाई अब जल्दी से चल रहे हैं अपनी नई जॉब पर। 1 बजे से स्टार्ट है और 12 बज गए हैं और जाने में कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ट्रेन से। तो जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं, भागते भागते चलते हैं। आज पहला दिन है, पहले दिन ही लेट नहीं होना यार। चलो आप अभी चलेंगे भाई सिविया स्क्वायर पर। देखो उधर, देखो उधर आपको बंदे मिलेंगे सबसे ऊपर, जो इतनी सारी रील बनते हैं इंस्टाग्राम पर। हम भी चलेंगे जल्दी घूमने किसी दिन। चलो भाई ये था सिबिया, देख लो। चलो चलते अब, जो ख़त्म हो गई है, इतनी तगड़ी हवा चल रही है ना, मैं क्या बताऊँ यार, मतलब हाथ पैर सब कुछ सुन हो गए हैं भाई, इतनी तेज़ हवा चल रही है। ओ माय गॉड भाई, सच्ची में अभी आप लोगों को माइक में भी सुन जाएगी आवाज़, हवा की बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो मैं अपना चारों तरफ का एरिया दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पर काम कराता हूँ, देखो आप लोगों को दिखाता हूँ भाई। यहाँ पर आपको इतनी सफाई और इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें मिला करेंगी। ये सिम्बासी है भाई, टोक्यो स्टेशन से सिर्फ 1 स्टेशन पीछे। इसके नेक्स्ट आता है वाई से कुछ नाम है, कुछ ऐसा आया, उससे अगला स्टेशन है टोक्यो। मैं काम कर रहा था यहाँ से, बार बार बुलेट ट्रेन जा रही थी, पता नहीं कितनी बुलेट ट्रेन देखी आज में मैंने, दुनिया भर की देखी भाई बुलेट ट्रेन। ये देखो यहाँ से टोक्यो स्टेशन, मतलब पैदल भी जा सकते हो, मात्र 10 मिनट का रास्ता है भाई। चलो चलते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दी। ये सिम्बासी का स्टेशन है भाई, वो रहा रेलवे स्टेशन, JR, जापान एयरलाइंस कह रहा हूँ, जापान रेलवे। ये देखो भाई, यहाँ पर आपको इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये सारा हब है ये ऑफिसों का दुनिया भर का। चलो भाई चलते हैं हम। ये कबूतर बड़े ख़तरनाक होते हैं, इन्होंने आता हूँ, देखो बाहर ग्रीन लगा रखा है कि कबूतर कूड़ा फैला ना सके, यहाँ हर कोई लगाता है, फिर भी उसने ग्रीन हटा कर आगे से पर्दा और सारे में कूड़ा फैला दिया। ऐसे सुबह सुबह आपको बहुत मिलेंगे गली में, तो ये कबूतर बड़े वो होते हैं, कबूतर नहीं कोए का सिबिया आप लोगों को दिखा देता हूँ। सुबह का सिबिया ऐसा है और रात को जब जॉब से वापस आऊँगा ना, जब और दिखा दूँगा कि क्या अंतर होता है दिन के सिबिया और रात के सिबिया में, देख सकते हैं। चलो भाई अब चलो यार, ब्रेक हुआ है, आप हवा देख लो कितनी तेज चल रही है, तगड़ी वाली है, पत्ते के हिसाब से आप लोग पहचान सकते हो कि कितनी तेज हवा चल रही है। अपना ब्रेक हो गया भाई, अब चलते हैं कंपनी, बिल्कुल पास में ही है सामने, वहाँ से कुछ लेकर आते हैं खाने का। भाई बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, 1 डिग्री हो रखा है सेल्सियस। ये देखो पत्ते से बता देगा आपको, फिर सीधा आपको जॉब के बाद ही एक्सप्लेन कर देंगे जॉब कैसी है। कैसी भाई हो गई मेरी जॉब ख़त्म, हवा चल रही है तगड़ी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा अपनी जॉब का। कल तो मैं बल्कि बताना ही भूल गया, तो आज फिर बता देता हूँ। आज फिर थे, अभी जस्ट ख़त्म ही हुई है, बाल देख रहे हो कितनी हवा में उड़ रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है भाई कितनी तेज़ हवा चल रही है आज भी कल की तरह। भाई होटल है गजब, मतलब कि नया होटल है ना, तो गजब है भाई एकदम, बल्कि कह सकते हैं बड़ा मस्त है, लाउंज एक नंबर का भाई। मैं वीडियो बनाई है हल्की सी, मैं डालूंगा नहीं, लेकिन अभी वो सिर्फ दोस्तों को दिखाने के लिए, यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, पहले इजाज़त लूंगा अपने GM से, अपने मैनेजर से, किसी से लेकर, ऐसे नहीं डालूंगा कि इसमें हम मैं कोई गड़बड़ी नहीं करनी मुझे, इसलिए पहले अच्छे से पूछेंगे, उसके बाद प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा यार,
भाई तुम जो भी मेरे 40% ऐसे बंदे हैं जो मेरे हर वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो भाई, लात मारो, मुक्का मारो, कुछ भी मारो, लाल बटन के वो दबाओ, तुम अच्छे वो सब्सक्राइबर कर दोगे ना तो मैं मैनेजर के पास खुद ही पहुंच जाऊंगा ये कहने कि मुझे वीडियो बनानी है, एक एक चीज़ दिखाऊंगा आप लोगों को, क्या मस्त मस्त चीज़ें लगी हैं भाई, एक एक चीज़ें दिखाऊंगा, प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा भाई, कम से कम मैनेजर के पास जाऊं तो ये तो दिखे कि कुछ ले रखा हूं मैं, कि बंदे हैं मेरे पास, प्रमोशन कह दूंगा तुम्हारा, प्रमोशन कर रहा हूं, प्रमोशन तो क्या होगा, तुम लोगों को अच्छे से दिखा दूंगा जगह बढ़िया होटल है, इसलिए लाउंज से लेकर रेस्टोरेंट से लेकर लॉबी से लेकर कमरे तक व्यू और कौन सी प्लेस पर है ये, मतलब ए टू जेड दिखा दूंगा, तुम कुछ करो, तुम्हारा भाई इधर से मेहनत करेगा, तुम मेरे लिए मेहनत करो, बस सब्सक्राइब करो जितने ज़्यादा हो सके भाई, ठीक है हम बात आते हैं भाई, बढ़िया है लेकिन मुझे बताऊँ फ्रंट डेस्क जैसे मेरा वो है फ्रंट डेस्क का भी अलग अलग सारे काम, तो इन्होंने शुरू में आता हूँ मुझे आता हूँ फ्रंट डेस्क की जगह अभी रेस्टोरेंट में भेज दिया, क्योंकि रेस्टोरेंट में सब जापानीज, एक मैं ही हूँ फॉरनर और सारे जापानीज काम करते हैं रेस्टोरेंट में, और फ्रंट डेस्क पे 80% है भाई सारे फॉरनर, वहाँ जापानीज एक दो दो चार है बस, तो मैंने कहा ऐसा क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों अन्याय क्यों हो रहा है, फ्रंट डेस्क कहकर और मुझे रिसेप्शन मतलब वहाँ भेजा जा रहा है रेस्टोरेंट में, तो उसने कहा कि जो रेस्टोरेंट में उसमें जापानीज कस्टमर ज़्यादा आते हैं तो वहाँ हमें बेस्ट जापानीज वाला बंदे चाहिए, इसलिए है, और जो अभी अभी नया खुला है ना तो इनकी डील फॉरनर उनकी दूसरे देशों से ज़्यादा है, तो कस्टमर रुकने वाले फॉरनर ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ हमें इंग्लिश चाहिए, जापानीज नहीं भी चलेगी तो चलेगा, और जो वो फॉरनर फ्रंट डेस्क पर काम करते हैं वो पार्ट टाइम वाले हैं और बोले इनको इंग्लिश इंग्लिश आती है, इसलिए वहाँ फॉरनर ज़्यादा, बोले तू थोड़ा सा सब्र रख, एक डेढ़ महीना हम तुझे वहाँ पर भी लगा देंगे, और अभी ऊपर से मेरी क्या है भाई 28 आवर्स ही कर सकता हूँ मैं, तो उसमें भी दिक्कत आ रही है शिफ्ट बनाने में, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा शांति रख हम तुझे वहाँ पर भेज देंगे, तो भाई ये चीज़ चल रही है, फिर मैंने कहा चलो हमने शांति कर ली, बट उधर रेस्टोरेंट में ये फर्क है और लाउंज में काम करने में मुँह चलता रहता है, जो भी आया खुलेआम खाओ, मतलब कस्टमर के आगे नहीं वैसे खा सकते हो, कंपनी वाले आपको मना नहीं करेंगे, ना ही वो मना करेंगे भाई, ना ही गुस्सा करेंगे, इस चीज़ के लिए अच्छी बात है, मैं मेरा मुंह चलता रहता है 24 घंटे, और अभी भी पैक करके लिया है सामान, थोड़ा सा सीन दिखाता हूँ आप लोगों को, चलो चाहे कि आप लोगों को वीडियो नहीं दिखाता हूँ अपने न्यू होटल की, छोटा सा एक फ़ोटो खींचा था मैंने लाउंज का, तो वो दिखा देता हूँ आपको, छोटा सा एक अभी स्क्रीन पर आता होगा फ़ोटो, देख सकते हो भाई कितना सुंदर है, अब आप लोगों को मुझे नहीं पता कितना छोटा दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा जूम करके देख सकते हो, बड़ा मस्त है भाई, इससे आपको हल्की सी हिंट मिल जाएगी कि कितना अच्छा है, कि जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करोगे तो पूरे होटल का एक मस्त अलग से वीडियो भी बनाकर दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है भाई यही बताना था। देखो भाई सामने JR लाइन मेरी यामान होते जापान, कल भी दिखाया था सेम टू सेम, क्या दिखाऊं, ये वहीं पहुंच गया मैं बातें करते करते, पहले मोबाइल ऑन करना था पीछे का, अब तो वहीं पहुँच गया, क्या ही दिखाऊँ सेम, चलो नेक्स्ट टाइम दिखाऊँगा बढ़िया सा भाई, तो ये चिल्ला रहा है सामने, है इतनी ठंड भाई, हवा बहुत तेज चल रही है, चलो वेट करते हैं फिर चलेंगे, ग्राउंड आ गए हैं स्टेशन पे, तो अब एक क्वेश्चन और था कि आता हूँ, सभी कहते हैं पार्ट टाइम कैसे ले यार, कितनी वीडियो बना रखी है मैंने पार्ट टाइम पर, अभी भी वही सेम क्वेश्चन पूछते रहते हो आप लोग, भाई वीडियो देखो यार, और चलो फिर भी शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ, देखो भाई जिसको पार्ट टाइम कन्वीनियंस स्टोर पर चाहिए, तो मैंने बताया था कि सीधा फ़ोन मिला उस कन्वीनियंस स्टोर पर, मैनेजर होगा या कोई भी होगा उससे अपॉइंटमेंट लो, सीधा इंटरव्यू दो और पास या फैन हो जाओ, अगर आप किसी होटल में काम कर रहे हो तो होटल के लिए आपको साइट वेबसाइट पर अप्लाई करना होता है, वहाँ आपका फ़ोन नहीं चलेगा, फ़ोन करोगे तो काट देते हैं, मतलब कि मना कर देंगे, इससे अच्छा है वहाँ वेबसाइट पर बात करो और अपना सारा कुछ इंटरव्यू अपना करो, डेट करो और उसके बाद पहुँच जाओ इंटरव्यू देने, चलो और आगे बात मैं बताता, ये देखो भाई ये CBA का हाल है शाम का, शाम के कितने बज गए, रात के 10:30 बजे भाई, देख सकते हो, और ये पीने के बाद भाई ऐसे गली मिला जा रहा है, ये पीने के बाद आपको बहुत मिलेगा CBA सिंजोको में, गली गली में ही नज़ारे मिलेंगे, चलो अब चलते हैं अपनी ट्रेन की तरफ, चलो मैंने बता दिया भाई आप लोगों को पार्ट टाइम का, हर ये बता दूँ जिस किसी को जापानीज नहीं आती वो भाई कहाँ पार्ट टाइम जो ले सकता है, वो जाए भाई इज़ाकाया, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं पीने खाने की, उधर आपको किचन का काम दे देंगे और सैलरी भी अच्छी होती है वेजिस, 1,400-500
और रात को तो 1,600-700 के लगभग हो जाती है। तो भाई जिसको जपनीज नहीं आती, स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही है उसको पार्ट टाइम लेने में, तो अपना वहाँ चले जाए, वहाँ मिल जाएगी आराम से। तो भाई इस व्लॉग को लंबा नहीं करेंगे, ये व्लॉग सिर्फ 6 या 7 मिनट का बना होगा, मुझे नहीं पता, इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है भाई, किसी को वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब, और साथ में इंस्टाग्राम की आईडी आती होगी, फॉलो करना मत भूलना। फॉलो करके कोई क्वेश्चन तो पूछ लेना भाई। और मैंने अभी कहा था रिसेंटली, लात मारो, पैर मारो, कुछ भी मारो भाई, लाल बटन को सब्सक्राइब करो और जल्द से जल्द चैनल थोड़ा सा बूस्ट करो, फिर भाई स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो भाई देख लेना, अब आप लोगों के ऊपर ही मैंने छोड़ दी है, और तो इससे ज़्यादा क्या करूँ मैं। ठीक है भाई, लाइक शेयर कमेंट, और भाई जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में एक अच्छे मतलब कि टॉपिक के उससे। ठीक है भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।